फ्रेंड्स वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीज़ा अपडेट के बारे में। रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको एक इशू फेस हुआ था। वो इशू फेस ये हुआ था कि वो अभी 18 ईयर्स के नहीं हुए हैं, इसका मतलब कि वो अभी माइनर हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि माइनर के केस में आपको इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपका अपोस्टाइल्ड होना चाहिए। सेकंड वन इज आपको एक गार्जियनशिप का लेटर लेना होगा। वो गार्जियनशिप के लेटर में आपका कोई भी इंडिविजुअल जो कि यूरोप में है, आपका कोई भी फैमिली नोन हो सकता है, और वो आपकी अगर गार्जियनशिप एक्सेप्ट करता है तो उसका एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है, ये आपको सबमिट करना होगा। सेकेंडली अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कि यूरोप में आपको गार्जियनशिप लेटर प्रोवाइड करा सकता है, तो उस केस में आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा। वहाँ पे उस अंडरटेकिंग में आपके फादर और मदर दोनों की साइड से अंडरटेकिंग होगा कि आप जो फर्दर यूरोप स्टडीज के लिए जा रहे हैं उसमें उनको कहीं भी किसी भी तरह का दोनों को ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो इस चीज़ का एक अंडरटेकिंग वहाँ पर सबमिट करेंगे। साथ में आपका स्पॉन्सरशिप लेटर लगेगा। स्पॉन्सरशिप लेटर में आपके पेरेंट्स आइदर फादर और मदर दोनों में से कोई भी आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करा सकता है। तो ये तीन मेजरली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, साथ में जो आपका DOV एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पर आपके दोनों पेरेंट्स के साइन होंगे। तो मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप क्या करिए, आप 2 से 3 कॉपीज लेके जाइए, वहां पर अपने दोनों पेरेंट्स के फादर और मदर के साइन वहां पर आप कराइए, DOV एप्लीकेशन में भी और आपके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में भी। साथ में आप एक फ्रेश कॉपी लेके जाइए। कई बार DOV एप्लीकेशन में वो एप्लीकेंट का साइन भी मान लेते हैं कि भाई सिर्फ एप्लीकेंट का साइन चाहिए, फादर और मदर का सिग्नेचर नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉपी और लेके जाइए एक्स्ट्रा, तो उस पर आप अपने साइन करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में जहां पर भी आपके दो जगह साइन होते हैं, उन दोनों जगह आपके पेरेंट्स के साइन होंगे इंस्टेड ऑफ योर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल्ड होना चाहिए। साथ में अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट आपका हिंदी में है या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में है तो आपको उसको ट्रांसलेट कराना रहेगा। तो आपको उसको इटालियन लैंग्वेज में साथ में ट्रांसलेशन करा करके और ऑथराइज ट्रांसलेटर से ही ट्रांसलेशन करा के ये आपको सबमिट करना है। रेस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सेम डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि एक नॉर्मली वीजा एप्लीकेशन के टाइम रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, September 23 इनटेक के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं इटली में। तो अगर आप भी नेक्स्ट इनटेक में अपना एप्लीकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ओवरऑल एप्लीकेशन में जो आपके एक्सपेंसेस आएंगे, जो आपकी चार्जेस आएंगे, वो आएंगे 28,000 प्लस GST। तो अपने एप्लीकेशंस को आप अगर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, साथ में आप जानना चाहते हैं कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास application02@meridian.org पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लाइव काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लाइव काउंसलिंग सेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, सो दैट हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको जूम सेशन के थ्रू लाइव काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे ही रीसेंट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।